राजधानी दिल्ली का एक महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली। यहाँ करीब 24 लाख मतदाता 20 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला है भाजपा प्रत्याशी लाल बिहारी तिवारी और दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर और कांग्रेस उम्मीदवार एचएल कपूर के बीच। भाजपा उम्मीदवार लाल बिहारी तिवारी पिछले दो चुनावों में विजयी रहे हैं। प्रचार के दौरान वे मतदाताओं के सामने अपने किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं और अपने विरोधी पर आरोप लगाते हुए उनकी उम्मीदवारी के औचित्य पर सवाल उठाते हैं। वो जब उपराज्यपाल थे तो हमारे जमुना पार में नंदनगरी, जहांगीरपुरी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, जहां विशेष रूप से नंदनगरी में जो हैजा फैला था अंशोर, उसमें 500 लोग मर गए थे और उसको राजीव गांधी ने इनको बर्खास्त किया था। जिस आदमी को राजीव गांधी ने बर्खास्त किया हो, उसकी पत्नी ने उसको टिकट दे दिया हो, उस क्षेत्र की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी। लेकिन एचएल कपूर इस क्षेत्र की बढ़ती समस्याओं और अनसुलझे मुद्दों का उल्लेख कर तिवारी पर जवाबी हमला करते हैं। वे पूछते हैं कि लगातार दो बार सांसद रहते हुए भी तिवारी ने इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास किया है। जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस कॉलोनी में मैं गया हूँ, जो खास तौर की जो कॉलोनी बैकवर्ड हैं, जो रेफ्यूज की कॉलोनी हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनी ये कहते हैं, उनमें क्या करवाया उन्होंने। जहाँ तक क्षेत्र की जनता का सवाल है तो उनके लिए सिर्फ चुनावों में ही नेताओं के दर्शन अब सामान्य बात हो गए हैं। उनकी शिकायत है कि चुनावों के बाद नेता क्षेत्र और वादों को भूल जाते हैं। 1989 तक इस चुनाव क्षेत्र पर कांग्रेस का लगभग कब्जा रहा। 1989 में कांग्रेस उम्मीदवार एचकेएल भगत विजयी रहे, लेकिन 1991 में भाजपा के बीएल शर्मा ने ये सीट उनसे छीन ली। इसके बाद 1996 और 1998 में भाजपा के लाल बिहारी तिवारी यहां से लगातार विजयी रहे। जातीय समीकरण की दृष्टि से पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र संतुलित है। यहां 5,30,000 ब्राह्मण, 7,00,000 अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग तथा 3,00,000 मुस्लिम मतदाता हैं। यूं पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को 15 और भाजपा को 5 स्थान मिले थे।